वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के एक और अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको जल्दी ही मार्केट में देखने को मिलेगा। जी हां गाइस, यह होगा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। सैमसंग इसे 23 सितंबर को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। पहले कुछ लीक्स का मानना था कि इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी S20 लाइट हो सकता है, लेकिन यह सैमसंग फिलीपीन की ऑफिशियल साइट पर लिस्ट हुआ है और वहां से क्लियर हुआ है कि इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी S20 FE रहने वाला है। तो यह सैमसंग की ओर से आने वाला मिड रेंज फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, जिसमें आपको किसी भी चीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट वीडियो और इमेज क्वालिटी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो स्वागत आपका KDC टेक पे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टेक वीडियो देखते रहने के लिए। तो गाइस, बात करें इसके स्पेक्स के बारे में, तो इसमें 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि एक पंच होल वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, जहां इसमें आपको काफी नैरो बजल्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें इसके रेजोल्यूशन की, तो यह फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएगी और यहां पर खास बात यह है कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, तो इसमें आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। वहीं इसमें HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले वाइज तो यह स्मार्टफोन डेफिनेटली काफी अच्छा होने वाला है। वहीं बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो यह दो वेरिएंट के साथ आएगा, जिसमें इसके 4G वाले वेरिएंट में Exynos 990 प्रोसेसर होगा, वहीं इसका 5G वाला वेरिएंट Snapdragon 865 प्रोसेसर के साथ आएगा, जहां इसमें 6GB और 8GB रैम के दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, साथ ही 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा और आप इसे काफी अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं इसमें 45mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए बॉक्स में 45W का चार्जर देखने को मिल जाएगा, साथ ही इसमें वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इस फोन को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके कैमराज के बारे में, तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे, जिनमें 12MP का मेन कैमरा होगा, साथ में 12MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 8MP का टेलीफोटो कैमरा होगा, और इसमें 3x तक का ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा होगा। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबल लेवल के सभी कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और आप इसमें 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, साथ ही वाटर और डस्ट से प्रोटेक्शन के लिए IP68 रेटिंग, Wi-Fi 6 और NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये काफी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि सैमसंग की ओर से अफोर्डेबल फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। वहीं फाइनली अब बात करें इसके प्राइस और लॉन्च डेट की, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इसका स्टार्टिंग प्राइस 50,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है। वहीं 23 सितंबर को सैमसंग का एक इवेंट होने वाला है, उस इवेंट में सैमसंग इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर देगा। तो दोस्तों, ये तो था सैमसंग की ओर से आने वाला गैलेक्सी S20 FE। फिलहाल वीडियो में इतना ही।